हाय गाइस, तो अभी देखो सुबह के बज चुके हैं 5 और 7 बजे की हमारी जो है फ्लाइट है, और उससे पहले उठते मैं हरिदा को देने वाला हूँ यहाँ पर दूध। तो अभी जस्ट उठ गया और यहाँ पर देखो इसका पानी गर्म हो रहा है, ये रहा। और अपना इसकी बोतल भी तैयार कर लेते हैं पानी वाली, ताकि गर्म पानी करके रख लेंगे ताकि उसमें पानी भी गर्म रहे, एयरपोर्ट पे इसको जब दूध पिलाना पड़े तो दिक्कत ना आए। ये लो मेरी बेटी, दूध दूध आ गया, दूध आ गया, जल्दी जल्दी गुड मॉर्निंग पियो। गाइस यहाँ पे हरिदा को भी रेडी कर दिया मैंने, और नीचे न्यू शूज डाल दिए। आज 2 दिन से हम लोगों ने एक ही शूज डाल के दे हृदय को, तो आज चेंज कर दिए जूते। है हृदय, तो फिर कहाँ जाएंगे आज? पापा पास चलेंगे आज, तो आज तो चलना है ना घर। तो यहाँ पर टाइम हो चुका है 5:42, और अभी हम लोग निकलने वाले हैं भाई एयरपोर्ट के लिए। और हृदय को सबसे ज्यादा जल्दी है देखो जाने की। और गाइस आज ना हृदय देख पाएगा प्लेन को, क्योंकि आज भी मैंने इसके लिए विंडो सीट बुक करी है, और इसकी नींद भी आज पूरी है, तो आज तो देख के जाएगा कैसे उड़ता है हृदय। गाइस अभी ये गाड़ी लेके जा रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट, और बहन के पापा जी ने बोला कि इसको ना एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देना गाड़ी को, तो हम अपने आप उठा लाएंगे, तो उन्होंने दे दिया गाड़ी अपने को। इस बस हमारे होटल से एयरपोर्ट ना सिर्फ 16 मिनट दूर है, तो अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से पहुंच जाएंगे भाई। राम जय जय राम, वेरी गुड। तो बस अभी पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट, और वहीं पे कुछ खाएंगे, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है यार। तो गाइस हृदय ना बहुत बातें बनाने लगा है। कौन मांग रही है कैंपा? आंटी मांग रही है कैंपा। हाँ। तो इसको मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं दिलाता हूँ ना, तो इसलिए बहाने मार मार के कह रहा है ये आंटी कोल्ड ड्रिंक मांग रही है, वो आंटी कोल्ड ड्रिंक मांग रही है। आपको तो नहीं चाहिए ना? हाँ, इसको पता है कोल्ड ड्रिंक मांगेगा तो हृदय की क्या होगी? हाँ, तो गंदी चीजें नहीं पीते ना, दूध पीते। दूध पी के कैसे बॉडी दिखाते हैं? दिखा दो, डोल दिखा दो। यस। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद एयरपोर्ट। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है यार, ग्रीन येलो, भाई ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन मस्त है यार भाई। यहाँ पर देखो एयर इंडिया की कितनी बढ़िया सर्विस है, स्पेशल भैया खड़े हैं भाई यहाँ पे बोर्डिंग पास के लिए हेल्प करने के लिए। वाह यार, ये तो बेस्ट चीज है यार। भाई मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर एयर इंडिया की सर्विस देख लो कितनी मस्त है यार। भाई बैग्स के लिए भी देखो यार लोग हैं यहाँ पे। भाई यहाँ का एयरपोर्ट देखो कितना मस्त है यार, एकदम क्लीन छोटा सा, और दूसरा फटाफट हो रही है सब कुछ। बोर्डिंग पास इजीली मिल गया, स्कैनिंग इजीली हो गई, अब ये भी इजीली चला जाएगा देखो। तो गाइस यहाँ स्टॉल लगी है, तो यहाँ से देखते हैं यार कुछ खाने का मिल जाए तो बढ़िया सा। मैंने ले लिया यहाँ पर कॉफी और एक छोटा सा समोसा, तो अभी यही खा के, और सामने लाइन लगी है देखो अपनी फ्लाइट के लिए, तो छोटी सी लाइन है सीधा अंदर एंट्री। आप क्या खा रहे हो? ये क्या है? छोटा समोसा। कितने का बोल रहे हैं भैया? 540 रुपए बिल। एक समोसा 100 रुपए का? हाँ। भाई ये देखो, तो गाइस एक समोसा ना ये देखो ये वाला इतना सा, ये 100 रुपए का यहाँ पे। मेरे को नहीं पता भाई, मैंने तो लेके खा लिया मस्त, 2-3 खा लिया मैंने तो, बाद में चल रहा है 540 का बिल आ गया एक कॉफी के साथ। तो भाई एयरपोर्ट पे ये भूल गए थे हम, मेरे को लग रहा है एयरपोर्ट पे तो महंगा ही होता है यार सब, बट 100 का समोसा आप कमेंट करके बता रहा ये। तो गाइस यहाँ पे ना ये सैंपल रखे हुए हैं कि आप क्या क्या चीजें नहीं ले जा सकते, और हृदय को यहाँ पे ना वो गन दिख गई, कह रहा मेरे को बंदूक लेनी है यहाँ से। नन्हे वो तो ले जा ही नहीं सकते ना, नहीं पहले भी कोई ले जा रहा था पुलिस ने पकड़ लिया। तो भाई यहाँ रेडी हमारी फ्लाइट, ऑन टाइम हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, और हृदय को देख लो जिद कर करके यहाँ से चॉकलेट लिया एयरपोर्ट से। गाइस हमने फिर हृदय के लिए ले लिया एक विंडो सीट, तो इस बार तो देखेगा हृदय कैसे उड़ती है फ्लाइट, ठीक है देखोगे ना। तो गाइस आज हृदय नहीं सोया देखो, तो आज देखेगा हृदय कैसे टेक ऑफ हो रही है फ्लाइट, है ना। तो अभी फ्लाइट चल चुकी है देखो रनवे पे, अब देखते हैं हृदय का रिएक्शन क्या होगा जब उड़ेगी, क्या लगेगा। अब देखो भागेगी। गाइस देखते हैं हृदय का रिएक्शन क्या। इधर 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 देखो, उधर देखो, उधर उड़ गई, उड़ इधर। ओ अपनी फर्स्ट फ्लाइट को। तो गाइस ज्यादा टाइम हृदय नहीं सो रहा देखो, सब चीजों का एंजॉय कर रहा है। यहाँ हृदय की मील आ गई है प्रॉपर वेज, और इसके अंदर क्या मिला है हृदय को। तो गाइस अभी हृदय सो गए, खा पी के मस्त अपना सब कुछ देख लिया, चलो आज वर्थ इट हो गया। तो गाइस अभी एयरपोर्ट पे लैंड हो गए, और भाई ये देखो क्या मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, यहाँ सारी फ्लाइटें दिख रही है भाई,
ये मैंने पहली बार देखा है, एक साथ इतनी सारी फ्लाइट दिख रही है, देखो पीछे भी खड़ी है तीन चार, यहाँ भी ये शायद इंटरनेशनल है ये वाली, तो काफी मस्त लग रहा है देखने में। तो गाइस थोड़े टाइम में ना ऐसा लग रहा है भाई एयरपोर्ट भी बिल्कुल रेलवे स्टेशन जैसे हो जाएंगे, क्योंकि अभी से इतना क्राउड होता है ना भाई, इतना क्राउड होता है, सच बता रहा हूँ मैं, आज से 5 साल पहले इतना क्राउड नहीं होता था भाई, अब तो हर कोई ट्रैवल करने लगा है, हर कोई मतलब अब नीड बन चुकी है ना यार सबकी। और ये देखो देख लो भाई, सोते ही रहता है। और जहाँ हमारे बैग्स आए ना भाई वो काफ़ी दूर है, तो हम लोग को बहुत सारा पैदल चलना पड़ गया यार। तो गाइस अभी कर लिया टैक्सी और टैक्सी जा रहे हैं भाई घर, और देखते हैं हरिदा का रिएक्शन क्या होगा घर पहुँच के, क्योंकि यार इतने दिन बाद हरिदा घर जा रहा है, पर ये तो अभी सोया हुआ है यार, पर सोया ही रहता है यार, पूरे पूरे व्लॉग में सोता हुआ मिलेगा आपको ये। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं घर, तो अभी जाते हैं डोरबेल, खोलो गेट खोलो हम आ गए। अभी ये देखते हैं कि हरिदा का रिएक्शन क्या होगा बड़े पापा को देख के, कोई रिएक्शन नहीं लग रहा मेरे को, तो कोई खुशी नहीं है भाई घर आने की, उदास और लग रहा है मेरे को तो। बापू जी मेरा घर खाली खाली लग रहा है भाई, खाली खाली लग रहा है घर, और जब भाई दिल ही नहीं लगा हमारा तो उसे देखो, इसको देखो कोई रिएक्शन ही नहीं है, ये सोया पड़ा ना अभी, ये उठा भी होता तो भी कुछ नहीं आता ही नहीं था ये भाई, इसको कोई वीडियो कॉल पे देख रहे तो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे था, ये देखो कोई परवाह नहीं है इसको, बड़े पापा सामने खड़े हैं, ऐसे लग रहा जैसे उदास हो गया यहाँ आके, पापा को तो मिल ले, पापा को मम्मी नहीं करता, पापा को मम्मी नहीं करता, बड़े पापा बड़ी है इसको, बड़े पापा को मम्मी नहीं करता, दीदी मम्मी तो करता है एक बार, पापा को मिल तो लो दीदी, बड़े पापा को मम्मी तो करती है तो गाइस घर आते ही मिल गया अपने को घर के चावल दाल, और भाई साथ में यहाँ पे मम्मी ने बना रखा था रायता प्याज, इसे खाओगे दाल चावल, 3 दिन हो गए दाल चावल खाए। हाय गाइस तो अभी है नेक्स्ट डे, और कल हम आए थे भाई अपना औरंगाबाद से, और आज हम जा रहे हैं भाई घूमने शिमला, मम्मी जी मैं पापा जी सारे बच्चे, तो बहुत मजे आएंगे भाई तुम्हारी छुट्टियों की ट्रिप में, मजे आएंगे ना भाई, वहाँ पे बर्फ होती है फुल, लेकिन अभी ये नहीं पता गर्मी में होगी कि नहीं होगी। और यहाँ पर देखो हरिदय को मैंने रेडी कर दिया है, और ये सूट देखो कितना प्यारा लग रहा है हरिदय का, और हरिदय को रेडी करने में ना भाई मेरे को लगता है सिर्फ 5 मिनट, मेरे साथ तो भाई 1 मिनट में रेडी हो जाता है। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं घूमने, और मैंने डाल लिए नए कपड़े, अच्छा वो सुना दो, राम सियाराम जय जय राम। तो भाई माता रानी का नाम लेके भगवान जी को याद करके अभी हम लोग निकलने वाले हैं मस्त, और आई होप बढ़िया ट्रिप जाए यार ये, और इस बार कुछ भी गड़बड़ ना हो। हाँ जी पापा चले फिर, चलो भाई ट्रिप पे घूम के आए, अब 2-3 दिन बढ़िया मस्त घूम के आएंगे, मन भी लगेगा बाहर जाएंगे तो, है ना। और बहुत दिन हो, मैं तो कह रहा हूँ मम्मी इसके बाद आने के बाद हरिदय मैं और शिवम चल जाते दुबई, चलो देखेंगे फिर आप वो क्या लगता है, मैं ले जा सकता हूँ हरिदय को, ले जा सकता है, ले गया ना, तक तो ले ही गया। हाँ मैं ले जा सकता हूँ भाई, संभाल लेता हूँ मैं मस्त। वहाँ कितने घंटे लगते हैं, वहाँ पे भी 2 घंटे की फ्लाइट है बस। तो गाइस अगर हमारी ये शिमला ट्रिप बढ़िया जाती है ना, तो उसके बाद हरिदय मैं और शिवम जाएंगे दुबई, तो ये कंफर्म हो गया है, तो फिर देखते हैं वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। हरिदय को सब जगह घुमाना चाहता हूँ मैं, जब वो बड़ा हो ना वो देखे व्लॉग्स में कि भाई मैंने क्या क्या करा है हर एक चीज, तो भाई वो बड़ा खुश हो गया, हाँ भाई छोटा सा था जो चीजें हमको नहीं मिली वो सब हृदय को मिलनी चाहिए बस, मेरे को तो मेरा भी इतना मानना है। अभी स्कूल में नहीं जा रहा ना, जब स्कूल में हाँ। नहीं जा पाएगा इतना, तो अभी स्कूल नहीं जा रहा ना यार, जैसे स्कूल डाल देंगे फिर तो कहीं ले जा ही नहीं सकते हृदय को, क्योंकि स्टडीज उसकी आ जाएंगी बीच में, तो फिर तो हर जगह भाई देख के जाना पड़ेगा छुट्टी वुट्टी का सब चीजों का। गाइस बस अभी निकलते हैं, आज के व्लॉग में इतना ही, कल आएगी शिमला ट्रिप तो देखना ना भूलना, बाकी लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।